तो फ्रेंड फिर हम आपके सामने एक नया रूल लेके आए हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिफ्थ रूल ऑफ ताओ ते चिंग, कंसंट्रेशन का रूल है। तो इसे ऐसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सब आपको कहेंगे कि कंसंट्रेशन करो, लाइफ में कंसर्ट करो, अपनी स्टडी पे कंसर्ट करो, लाइफ में कंसंट्रेशन करो, बट उसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं बता पाएगा कि कंसंट्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, लाइफ में कंसंट्रेशन कैसे करें, कैसे कैसे भीड़ से हम आगे बढ़ जाएं, कैसे अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सके कि हम सबसे आगे चले जाएं, कोई नहीं बताएगा आपको कंसंट्रेशन का नियम। कंसंट्रेशन का नियम है वो ताओ ते चिंग जो किताब है उसमें लिखा हुआ है, बट आप जब ताओ ते चिंग किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको कंसंट्रेशन का मीनिंग समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत घुमा के बताया हुआ है कि कंसंट्रेशन को कैसे फॉलो करना है लाइफ में। तो कंसंट्रेशन जो है वो हमारे अंदर होती है, बट कंसंट्रेशन को यूटिलाइज कैसे करें कि हम सक्सेस को अचीव कर जाएं। कंसंट्रेशन एक ऐसा टूल है जिसको लाइफ में किसी व्यक्ति को उठा के नीचे से सबसे ऊपर बिठा देता है, और जो कंसंट्रेशन नहीं करता उसको सबसे ऊपर से नीचे कर देता है। तो लाइफ में कंसंट्रेशन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस है उसको पता तो आपको लग ही गया होगा। तो ताओ ते चिंग की बात स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ पर, कंसंट्रेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करें। ताओ के पास राजा के लड़के आए चार। ताओ ने बोला कि यदि तुम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो सब 50 फीट ऊपर जो पेड़ लगा हुआ है इस पर चढ़ जाओ तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो राजा के लड़के थे वो पेड़ पर चढ़ गए। जैसे वो 50 फुट पर चढ़े वो चढ़ गए, और वो 50 फुट पर चढ़ गए तो उन्होंने सोचा कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब वो नीचे उतरने लगे तो जब चढ़े तो उनको कंसंट्रेशन बहुत बहुत हाई थी, कंसंट्रेशन लेवल हाई था क्योंकि उन्हें नीचे गिरने का डर था। ठीक है दोस्तों, जब हम कोई काम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमें बड़े कंसंट्रेशन से करना पड़ता है। जैसे ही मनुष्य जब बहुत ज़्यादा विपत्ति में होता है जब मनुष्य, तो उसको ये कहना बेकार है कि ये काम कंसंट्रेशन से करो, वो ऑलरेडी कंसंट्रेट होता है क्योंकि वो काम फर्स्ट टाइम कर रहा होता है। जब वो नीचे उतरने लगे राजा के लड़के तो उन्होंने सोचा कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे ही वो नीचे उतरने लगे, जब वो 10 फुट की दूरी पर रह गए तो उनकी कंसंट्रेशन जो है कम होने लगी। मतलब हम 40 फुट उतर आए तो 10 फुट तो उतर ही जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, लाइफ में जो भी जितना ऊंची पोस्ट पे होता है, सपोज आज हमारे पास जॉब है, बिजनेस है, तो जो जॉब होती है उसमें क्या होता है कि हम जब 90% वर्क कर लेते हैं, 10% काम रह जाता है तो हम सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन 10% फेलियर उसी के कारण होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, या ताओ ये कहना चाहता है कि जब आप 90% काम को कंप्लीट कर लेते हो पूरी कंसंट्रेशन से, जब लास्ट काम रह जाता है तो अपनी कंसंट्रेशन को मत छोड़ें। जो 10% काम है उसको भी पूरी कंसंट्रेशन से करें लास्ट का, ताकि आप उस सक्सेस को अचीव कर पाओ, क्योंकि 90% लोग वो लास्ट के 10% में जाके फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ताओ का कहना है कि जो भी काम करो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करो, मतलब शुरू से लेकर एंड तक। जैसे ही कोई मनुष्य बहुत हाई पोस्ट पर होता है जॉब में, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत रिलैक्स बैठेगा, उसको कंसंट्रेशन लेवल उतना हाई रखना पड़ता है अपना। कि और ऐसा नहीं है कि मतलब एक शख्स आपका बिजनेस सही चल रहा है तो आप कंसंट्रेशन जीरो कर देंगे। आप जब बिजनेस को स्टार्ट करते हो, काम स्टार्ट करते हो, तो जब तक मतलब हमें लगता है कि वो बंदा हाई पोस्ट पे है तो वो अपना काम बड़े रिलैक्स होकर करता है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। वो अपना काम पूरी कंसंट्रेशन से करता है जब भी वो बहुत हाई लेवल पे होता है, शुरू से लेकर एंड दिन तक वो अपना काम हाई पोजीशन पे रहने के लिए काम को उतनी कंसंट्रेशन से करना पड़ता है। मतलब कंसंट्रेशन हम लास्ट में जाके जो लूज़ करते हैं अपनी, एक काम पूरा होने से पहले वो लूज़ नहीं करनी चाहिए हमें, काम पूरा होने के बाद हमें रिलैक्स करना चाहिए। और जब हम जॉब पे होते हैं तो जितनी हाई पोस्ट पे बंदा होता है उसको उतने लोग वॉच आउट कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि कोई भी काम करो तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करो जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। तो ये एक लास्ट का रूल है कंसंट्रेशन का जो मैंने आपको बताया है आज। और इसके साथ हम ऐड ऑन करेंगे कि कंसंट्रेशन जो होती है जॉब में, जो मेरे दोस्त हैं, जो दोस्त जॉब में काम करते हैं, तो उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। कि यदि आप अच्छी जॉब पे हैं तो आप ऐसा ना सोचें कि हम ये काम करके आगे बढ़ जाएंगे, नए नए काम मत पकड़ें। जो आप काम कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, उसमें बस ये देखें कि किस किस कारणों से आपकी जॉब फेल हो सकती है।
आपकी जॉब किस किस कारणों से फेल हो सकती है, तो उस पर कंसल्ट करें। मतलब नए काम को करने की बजाय जो आप ये रीज़न ढूंढने की किस किस रीज़नों से आपकी जॉब फेल हो सकती है उस पर कार्य करें। वैसे ही बिज़नेस वाले जो दोस्त हैं मेरे, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी बिज़नेस है, आप नया नया ट्राई मत कीजिए कुछ भी। आप जो बिज़नेस है आपका चल रहा है यदि बिज़नेस, तो आप ये उसमें ये रीज़न ढूंढिए कि किस किस कारणों से मेरा जो बिज़नेस है फेल हो सकता है, उस पर कंसेंट कीजिए। आपका बिज़नेस दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेगा। यही है सक्सेस के दो रूल्स, जॉब्स के लिए भी और बिज़नेस वालों के लिए भी। और मैंने कंसल्टेशन